الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وآله وصحبه وبارك وسلم. मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज फिर हम कुरान मजीद की कुछ तफसीरी झलकियां लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। गुज़श्ता दिन के तफसीरी दर्स में हमने सूरतुल कहफ का जो बकिया हिस्सा था उसे मुकम्मल किया था, जिसमें हमने ज़ुल्करनैन के किस्से को और सद और याजूज माजूज के हवाले से जो तफासिल है उसे हमने सुना, उसे हमने जाना। उसके बाद हमने सूरह मरियम, उसे भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया, और आज इंशाअल्लाहु अज़ीम हम सूरह ताहा की तफसीर, और वक्त ने अगर इजाज़त दी तो उससे आगे की तफसीर भी सुनने की इंशाअल्लाहु अज़ीम सआदत हासिल करेंगे। यूँ सूरह ताहा पे अगर आप नज़र डालें तो सूरह ताहा की इब्तदाई चंद आयात और आखिर की चंद आयात और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम व इब्लीस का किस्सा, इनको अगर एक तरफ रखें आप सूरह ताहा की आयात में, तो बाकी आयात तकरीबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान करती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही की स्टोरी और उनका पूरा किस्सा, बनी इसराइल के साथ जो मामलात हुए, उनका सामरी का वाकया और कोहे तूर पे आपका जाना। अगरचे आप इस सूरत में आपके किस्से की इब्तिदा जो है उसकी तरतीब, मतलब आप जब मदीन चले गए वहां से जब वापस हो रहे थे वहां से इस सूरत में आपके किस्से की इब्तिदा होती है, जबकि इस किस्से की इब्तिदा तो आपकी विलादत से है लेकिन वो दूसरी सूरतों में उसका जिक्र हुआ है। तकरीबन ये तफसील के साथ ये सूरह ताहा जो है आपके किस्से पे कलाम करती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल, फिरौन, जादूगरों के साथ आपका मुकाबला, उसके बाद फिर आपका समंदर पार करना और तूर पे आपका पहुंचना और तौरेत के हुसूल के लिए जाना, बनी इसराइल का पलट जाना, उसके बाद फिर वादी सीना में आपकी कौम का क़याम और वहां जो मामलात पेश आए, उन सारी चीज़ों का तफसीली जिक्र इसमें है। इंशाअल्लाह उसे हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। इब्तदाई आयात में सूरह ताहा की अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया, और आखिर आयात में भी ऐसा ही हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम को कुफ्फार की जो नाफरमानियां थी और उनकी जो सरकशियां थी और उनके जो बड़ बोलेपन थे, इन सारी चीजों से हुजूर अकरम सल्लम को दिलासा दिया, तसल्ली दी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इससे पहले यानी आखिरी के दो तीन रुकू के अंदर, खास करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा भी, इब्लीस के साथ जो मुकालमा हुआ, इन सब चीज का तस्करा भी इस सूरत में मिलता है। अब आए इस इजमाल की तफसील की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और कुरान मजीद ही की रोशनी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये को हम सुनने की और उसमें जो हमारे लिए इल्मी खजाने पोशीदा हैं उससे अपने दिलों को मामूर करने की हम सआदत हासिल करेंगे, और साथ ही साथ कुरान मजीद की आयात की बरकत से हम रूहानी फैज भी हासिल करने की सआदत इंशाअल्लाह नज़ीम हासिल करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाकया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया अगर कुरान मजीद में देखें आप तो तकरीबन इसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने 500 से ज़ायद आयात में, 500 से ज़ायद आयात है जो हज़रत मूसा, बनी इसराइल, हारून अलैहिस्सलाम और फिरौन के इस वाक़े को कवर करती है। 514 आयतें तकरीबन हैं जिनमें इन वाक़ियात का जिक्र हुआ, और इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक जो है तकरीबन 107 जगह, कमोबेश 107 जगह कुरान मजीद में वारिद हुआ, और
35 से जायद सूरतों में आपका किस्सा मजकूर हुआ और 25 से जायद सूरतों में आपका नाम मुबारक जिक्र हुआ। हजरत हारून अली सलाम का नाम भी मुतअद्दिद मरतबा जिक्र हुआ। तो यूं समझ लें कि कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा हजरत मूसा अलैहि सलाम का वाकया बयान करता है, क्योंकि हजरत मूसा अलैहि सलाम का वाकया ऐसा है कि उसके अंदर बहुत सारे खमो पेश हैं, उसमें बहुत सारे नशीब व फराज आपको मिलेंगे कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी हिफाजत की और दुश्मन के घर में जो आपका दुश्मन था वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी रिहाइश का इंतजाम फरमाया और फिर वहां से आप निकल करके मदियन की तरफ गए। तो मदियन में आपका निकाह हुआ, आपकी शादी हुई, उसके बाद फिर मदियन से वापस लौटे तो अल्लाह ने ऐलान नबूवत का हुक्म भी आपको अता फरमाया। उसके बाद फिर जो है आप मिस्र में पहुंचे तो मिस्र के दरबार में, फिरौन के दरबार में फिरौन से मुकालमा, फिरौन से बातचीत और फिरौन को दावत, उसके बाद फिर बनी इसराइल की आज़ादी, बनी इसराइल को लेकर के निकलना, ये सारी तफासील जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसमें बहुत सारे खजाने पोशीदा हैं इल्म व हिकमत के और इबरतें पोशीदा हैं कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं उनका भला होता है और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं मानते उनका कभी भी भला नहीं होता, वो अपनी आकिबत व आखिरत खुद खराब करते हैं। अब आए पहले जो आपके किस्से का जो इब्तदाई हिस्सा है, हम उसकी तरफ माइल होते हैं और आपके किस्से का इब्तदाई हिस्सा जाहिर सी बात है ये आपकी विलादत से है। आप जब मिस्र में पैदा हुए तो वहीं से आपकी विलादत का किस्सा है। जब आपकी विलादत हुई तो उस वक्त के हालात ऐसे थे कि फिरौन जो था, जो फिरौन था उसको उसके जो नजूमी थे, दरबारी थे, उन लोगों ने खबर दे रखी थी कि एक इसराइली बच्चे की विलादत होगी जिसके हाथ पे तेरे मुल्क का और तेरी बादशाहत का खात्मा होगा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में थे कैसे, तो सूरह यूसुफ की जब हमने तफसीर की थी तो हमने बताया था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कनान से अपना पूरा कुंबा लेकर के वहां मिस्र में आकर के बस गए थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे बादशाह से उस वक्त कहा था कि हमें मिस्र के बाहर में, यानी जो दारुल सल्तनत है उससे दूर अलाहिदा जगह पे एक खिताए जमीन हमको दे दिया जाए तो हम वहां पर अपना कबीला आबाद करेंगे, अपने खानदान को बसाएंगे। तो वहीं पर यह खानदान बसता रहा। तो उसके बाद जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर खत्म हो गया उसके बाद फिर जो है मिस्र के हालात बहुत बदले। तो फिरौन जो है, ये कोई फिरौन किसी का नाम नहीं है, ये बादशाह जो वहां होते थे मिस्र के उनका लकब है, ये फिरौन जो मिस्र के बादशाह होते थे उनका लकब है। तो ये फिरौन जो था उस वक्त उसका नाम रामसीस सानी बताया जाता है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। तो ये जो फिरौन था ये बड़ा जालिम था, ये बनी इसराइल पे जुल्म करता था और पूरा जो बनी इसराइल का कुंबा था, इब्तिदा में तो जब बसे तो उनकी तादाद चंद सौ की थी लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेके निकले तो उनकी तादाद तकरीबन लाखों में थी। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त बनी इसराइल तकरीबन सब के सब जो है कैदो बंद की जिंदगी गुजार रहे थे, वो फिरौन के कैदी की हैसियत से वहां पर रहते थे। तो फिर हुआ ये कि कुरान मजीद कहता है, हम कुरान की रोशनी में सुनते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है इद औहैना इला उम्मिका मा युहा, जब हमने तेरी माँ को इल्हाम किया जो इल्हाम करना था। दरअसल बात यह थी कि फिरौन को उसके दरबारियों ने और नजूमियों ने इस बात की खबर दे दी थी कि यहां एक बच्चे की विलादत होगी, वो तेरे दरबार को, तेरे दौरे हुकूमत को और फिरौनों की सल्तनत को यहां से खत्म करने का बाइस ओ सबब बनेगा। तो फिरौन ने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल में कोई भी बच्चा पैदा हो, कोई भी बच्चा पैदा हो, मर्द जितने भी हों सबको कत्ल कर दिया जाए और जो खवातीन हैं उनको छोड़ा जाए, यहां तक कि जो डिलीवरी कराने वाली होती है दाइया जो होती थी उनको भी उसने हायर कर रखा था कि आप इसी की तलाश में रहना कि किसी भी तरीके से कहीं पे भी बच्चे की विलादत हो तो हमें खबर करनी चाहिए। और फौज के दस्ते और महकमे उसने मुकरर कर दिए थे इसी काम के लिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को जिनसे जो काम लेना होता है, अल्लाह को जो मकसूद व मंजूर होता है होता वही है। फिर यह हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के यहां आपकी विलादत हुई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और फिरौन को पता नहीं चला। तकरीबन 3 महीने गुजर गए, 3 महीने तक किसी ना किसी तरीके से आपने छुपाया, लेकिन अब जो है हालात बदल गए थे, नजूमियों ने खबर दे दी कि जिस बच्चे की आमद का इंतजार था वो आ चुका है। तो तलाश और ज्यादा बढ़ गई, फिरौन के जो फौजी थे वो किसी भी घर में चले जाते थे और घुस करके तलाशी लेते थे, ऐसे हालात थे। तो आपको उस वक्त माँ जो थी
तो आपके दिल में ये ममता का तकाजा भी है कि बच्चे की फिक्र होती है माँ को, तो आप सोचते रहे कि होगा क्या मेरे बच्चे के हवाले से। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी तरफ इल्हाम फरमाया कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप जो है अपने बच्चे को एक ताबूत में डाल करके उन्हें दरिया में छोड़ दें। उसका जिक्र होता है, कुरान कहता है अनि कदीफी ही फित ताबूती फकदीफी ही फिल यम्मी फल यम्मू बिसाहिली या عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني के उस बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में डाल दे तो दरिया उसे किनारे पर डाले कि उसे वो उठा ले जो मेरा दुश्मन और उसका दुश्मन, और मैंने तुझ पर अपनी तरफ की मोहब्बत डाली और इसलिए कि तू मेरी निगाह के सामने तैयार हो। अब यहां देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया आपकी वालिदा को, उसी का जिक्र कुरान फरमाता है। हुक्म यह हुआ कि आप उनको जो है ताबूत में डाल करके दरिया में छोड़ दें, दरिया में छोड़ दें, और फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खबर दी कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा तो हम आपको अपने आपके बच्चे तक पहुंचा देंगे। फिर ऐसा ही कि आपकी वालिदा ने एक संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रखा गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रख करके उस संदूक पर जो है रोगन वगैरह किया गया ताकि पानी अंदर दाखिल ना हो, फिर उसे समंदर दरिया में छोड़ दिया गया, दरिया नील में उसे छोड़ दिया गया। तो वो ताबूत जो है बहते 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 उस जगह पे आया जहां पे शाही खानदान के लोग, फिरौन की फैमिली जो थी, जो रॉयल फैमिली थी, वो लोग दरिया के किनारे पे वहां आया करते थे, तो बहते बहते वहां पे आया। साथ ही आपने, आपकी वालिदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा को ये साथ में भेज दिया कि ये ताबूत कहाँ जाता है, तुम उसको फॉलो करना। तो वो फॉलो करते 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 आई, फिर वो ताबूत बहता हुआ आया, एग्जैक्टली उस जगह पे पहुंचा जहां पे शाही फैमिली और रॉयल फैमिली के लोग आते थे। तो अब उठाने वालों के हवाले से मुतअद्दिद रिवायत है कि फिरौन की बेटी ने उसको उठाया या फिरौन की बीवी ने खुद जो है उस ताबूत को उठाया, ये मुतअद्दिद रिवायत है। कुरान ने आल कह करके जिक्र किया है कि फिरौन के आल ने, खानदान ने या उसकी फैमिली ने उसे उठाया, जो भी उठाया अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। तो फिर उन्होंने उस ताबूत को लिया, खोल के देखा तो उसमें तो बच्चा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके अंदर है, और आपकी खूबसूरती, आप पे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नूर नबूवत भी आपके चेहरे पर मुनव्वर था, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको नबूवत का मनसब अता किया जाना था। तो वो जो खूबसूरती थी, वो सारी कशिश जो थी, अट्रैक्शन था, वो जो है उस खातून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, तो वो ले गए अपने पास। तो ये जो हमशीरा थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, उन्होंने देख लिया उसे, उसे देखने के बाद ये हमशीरा जो है उन्होंने किसी ना किसी तरीके से फिरौन के शाही महल में जाकर के नौकरी इख्तियार कर ली, तो खादमा बनकर के वो वहां रहने लगी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में रहने लगे, महल में रहने लगे, और उनकी जो बड़ी बहन थी वो खादमा के हिस्से से वहां रहने लगी। जब उस बच्चे को ले जाया गया तो फिरौन उन्हें कत्ल करना चाहता था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहता था क्योंकि उसे खौफ था बच्चों के हवाले से। तो आपकी जो जो फिरौन जो अहलिया थी उन्होंने कहा कि इसे कत्ल मत करो, इस बच्चे को देखो कितना प्यारा है, हम इसके साथ भलाई करेंगे, अच्छा करेंगे, इसे हम अपना बेटा बना लेंगे, और मुमकिन है कि ये जो है हमारे लिए आगे चल करके नफा बख्शो, इससे हमें कोई फायदा पहुंचे। तो फिरौन उस बात पे मान करके रह गया, चूंकि हिकमत को, कुदरत को ये मकसूद था, मंजूर था कि जो उनका जानी दुश्मन है उन्हीं के घर में वो परवान चढ़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और फिरौन को जो है कानो कान भी खबर ना हो। फिर ये हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी महल में रहने लगे। अब चूंकि छोटी सी उम्र थी, आपको जब दूध पिलाने का वक्त आता तो आप किसी का दूध पीने के लिए तैयार नहीं होते थे। फिर यह हुआ कि आपकी जो बहन थी उन्होंने उस मामले को देखा, और जब शाही दाइया जो दूध पिलाने वाली होती है उन्होंने दूध पिलाना चाहा तो आप किसी का भी दूध पीने के लिए तैयार नहीं है। तो जो आपकी बहन थी हमशेरा, उन्होंने कहा कि मैं एक नेक खातून को जानती हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उस खातून को ले आऊंगी, हो सकता है कि ये उनका दूध जो है नोश कर ले, तनावल कर ले। तो फिर जो है आपने जाकर के अपनी वालिदा को खबर दी। अब यहां देखिए कुरान मजीद कहता है इज तमशी उख्तुका फतकुलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु, तेरी बहन चली फिर कहा क्या मैं तुम्हें वो लोग बता दूं जो इस बच्चे की परवरिश करें, फरजअना का इला उम्मी का कई तकर्रा ऐनुहा वला तहजन, तो हम तुझे तेरी मां के पास फेर लाए कि उसकी आंख ठंडी हो और गम ना करे। ये जो है इस तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा
आपसे आकर के मिली, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश जो है फिरौन ही के घर में आपकी वालिदा ही के हाथों होने लगी। ये अल्लाह तबारक व तआला का इंतजाम था। वो कहते हैं ना, फामूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन को जो है टक्कर देना था और बनी इसराइल को आजाद कराना था, तो फिरौन ही के घर में आपकी परवरिश हुई, आप वहीं पे बड़े हुए। और फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तनुमंद और तंदुरुस्त और बहुत ही पुरकशिश आप जवान थे। आप देखा करते थे कि बनी इसराइल के साथ ये फिरौनी क्या सलूक करते हैं, क्या हरकतें करते हैं, तो आप जो है उसी वक्त से अदल व इंसाफ को आम करने की कोशिश करते, उनको समझाते और फिर अगर बेजा जुल्म होता तो उसे रोकते। तो बनी इसराइल जो वहां बसे हुए थे उन सब की नजर में आपकी हैसियत उस वक्त जो है एक मसीहा की सी बन गई कि ये हमारे हक की बात करते हैं, हमें जुल्म से बचाते हैं, हमारी तरफदारी करते हैं, और दूसरे लोग भी आपको एहतराम की नजर से इब्तदा में देखा करते थे। इस वक्त तक अभी आपने नबुवत का ऐलान नहीं फरमाया था। फिर हुआ ये कि एक दिन आप रास्ते से जा रहे थे तो वहां एक मिस्री किबती जो था फिरौनी, वो एक इसराइली को खींच रहा था, जो कि आपके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसराइली ही थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से। तो आपने देखा कि ये मेरी कौम के बंदे को इस तरीके से खींच रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगा, आपको तकलीफ हुई, तो आपने उससे कहा कि छोड़ दो इसे, क्यों तुम जुल्मन इसको खींच रहे हो और इस तरीके से घसीट रहे हो, ये भी इंसान है। उसने बात नहीं मानी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का नेचर जो था वो जलाली था। अल्लाह तबारक व तआला ने जलाल आपको वदियत फरमाया था, जलाली तबीयत के आप मालिक थे। तो आपने एक तमाचा जो है उस मिस्री को मारा और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस तमाचे की वो ताब ना ला सका, मर गया। कुरान कहता है, वो कतल तनफसन फनजैनाका मिनल गम्मी वफतन्ना का फुतूना, और तूने एक जान को कत्ल किया तो हमने तुझे गम से नजात दी और तुझे खूब जांच लिया। ऐसा हुआ कि जब वो मर गया तो आपको बहुत अफसोस हुआ, आप अपने आप में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करने लगे कि या अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया कि मेरे हाथ से जो है एक इंसान का कत्ल हो गया, हालांकि मैं इसको मारना नहीं चाहता था, मैं बस जुल्म रोकना चाहता था, मैं कत्ल नहीं करना चाहता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उसी वक्त माफी भी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा, ये जो मामला है हम इस जो आपको जो अफसोस है इस अफसोस से नजात देते हैं, क्योंकि ये जो है आपने इरादतन नहीं किया था, ये गैर इरादी तौर पे कत्ल वाक़े हुआ। फिर दूसरे दिन ये हुआ कि वही किबती वही इसराइली जो पहले दिन एक मिस्री से उलझा हुआ था, दूसरे दिन भी वो एक मिस्री से उलझा हुआ था, और आपने जो है दोबारा फिर उसने मदद की दुहाई दी जब आप जा रहे थे शहर के बाहर, तो आपने फिर जो है उस और एक जो मिस्री उसे सता रहा था उसे कहा कि इसे मत सताओ, इसे छोड़ दो, वो बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो आपने उन दोनों को जो झगड़ रहे थे अलग करने के लिए हाथ बढ़ाया, तो जो इसराइली था उसने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि ये हमारी तरफ है तो दोबारा इसने मदद के लिए आवाज दी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कल तेरी वजह से जो है ऐसा ऐसा मामला हुआ, आज फिर तू ऐसे मामले में उलझा हुआ है, क्या तेरा यही काम है कि हर दिन तो किसी ना किसी से झगड़ा करता रहे। तो उस पर जो इसराइली था उसने ये समझा कि हजरत मूसा मेरी मदद अभी नहीं करेंगे, और जब वो आप छुड़ाने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे तो उनसे ऐसा लगा कि शायद ये मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, तो उसने ये कह दिया कि क्या तुम मुझे भी कत्ल करना चाहते हो जैसे तुमने कल एक आदमी को कत्ल किया था। उससे पहले यह था कि जब एक मिस्री कत्ल हो गया तो वहां पूरे दारु सल्तनत के अंदर कोहराम मचा हुआ था और सब लोग तलाश में थे कि इस मिस्री को कत्ल किसने किया है, सब तलाश में थे। अब जब उस इसराइल ने यह बात कही तो जो मिस्री साथ में था उसने जाकर के हुकूमत को खबर कर दी, तो फिर यह हुआ कि हुकूमत के अंदर मिस्र का जो बादशाह था फिरौन, उसके महल के अंदर उन उजरा में या उसके साथ में जो लोग बैठते हैं वहां एक मोमिन बंदा रहा करता था जो अल्लाह की जात पे ईमान रखता था, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता था। जब वो मिस्री आकर के उसने फिरौन को खबर दी तो फिरौन की तरफ से हुक्म हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को कैद करके पकड़ करके लाया जाए, लिहाजा उनको भी कत्ल किया जाए। जब ये हुक्म उसने दिया तो वो बंदा था उसने आकर के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर दे दी कि ऐसे ऐसे मामलात हैं, और फिर उसने मशवरा भी दिया कि आप यहां से हिजरत करके चले जाएं, तो फिर आप वहां से हिजरत करके मदियन की तरफ चले गए। कुरान कहता है फलबिस्ता सिनीना फी अहली मदियना थुम्म जित अला कदरी या मूसा, तो तू कई बरस मदियन वालों में रहा फिर तू एक ठहराए वादे पर हाजिर हुआ ए मूसा।
अब देखें, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले तो हालात ऐसे थे कि ना आपके पास ज्यादा राह था और नालैन शरीफ आपके कदमों में नहीं थे। आप चले काफी थकान के बाद, जब आप मदियन पहुंचे तो मदियन वहां से उस वक्त के दारू सल्तनत से, कैपिटल से, तकरीबन एक दिन का फासला था, एक दिन की मुसाफत होती थी। आप वहां पहुंचे तो वहां जब आप दाखिल हुए बस्ती में, मदियन के जो आबादी थी वहां दाखिल हुए, तो जब आप वहां गए तो आपने क्या देखा कि एक कुआं है और कुएं पे लोगों की भीड़ जमा हुई है और दो लड़कियां जो है, नौजवान खवातीन, वो खड़ी हुई हैं सहमी हुई और डरी हुई। हजरत मूसा ने देखकर ही समझ लिया कि ये जो सामने कुएं पे लोग हैं, ये किसी ना किसी तरीके से इन लड़कियों का हक ये लोग मार रहे हैं। आप आगे बढ़े, आगे बढ़कर के आपने पूछा कि तुम यहां क्यों खड़ी हो, क्या तुम आगे बढ़कर के अपने मवेशियों को पानी नहीं पिला सकती? तो उन दोनों खवातीन ने कहा कि ये सब लोग ताकतवर हैं और हमें अगर आगे बढ़े तो हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे और हमें नुकसान का भी अंदेशा है, खौफ है, लिहाजा ये उमूमन ऐसा ही करते हैं कि पहले ये सब अपने जानवरों को इस कुएं से पानी पिला लेते हैं और जो बचा खचा होता है सबसे आखिर में हमें पिलाया जाता है और हम बहुत ताखीर से घर पहुंचते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात जो है पसंद ना आई, क्योंकि ये जुल्म था और जुल्म के खिलाफ जो है आपने आवाज उठाई और जाकर के कुएं से आपने पानी भरा, लोगों को हटा करके, और पानी ला करके आपने इन दोनों खवातीन को दिया। तो ये दोनों खवातीन पानी लेकर के अपने घर पे पहुंची। अब घर पे जो वालिद थे इनके, इनके हवाले से मुतअद्दिद आरा हैं। मुफस्सिरीन में से बाज ने कहा कि ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहिबजादियां थी, ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहिबजादियां थी ये दोनों लड़कियां, और बाज कहते हैं कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, उनकी साहिबजादियां थी, और बाज रिवायत ये भी बताती है कि ये ना तो शुएब अलैहिस्सलाम थे और ना ही शुएब अलैहिस्सलाम के भतीजे की लड़कियां थी, बल्कि एक नेक सालेह बुजुर्ग वहां रहा करते थे, उन बुजुर्ग की ये लड़कियां थी। वालिद ने पूछा कि ये क्या कि तुम इतनी जल्दी आ गई हस्बे खिलाफ मामूल? तो उन खवातीन ने कहा कि ऐसा ऐसा मामला पेश आया, एक नौजवान ने हमारी मदद की, हमें हेल्प किया, तो इस वजह से हम यहां पे जल्दी आ सके। तो वालिद ने कहा कि जाएं आप उनको जाकर के दावत दें। दावत देने के लिए एक खातून वहां पे आई, उस खातून ने दावत दी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाहें नीची कर ली और उनकी तरफ निगाहें उठा करके नहीं देखी आपने। और वो जब खातून आई तो उसका तस्करा भी कुरान मजीद की दूसरी सूरतों में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो बहुत ही बाहया अंदाज में, एकदम हया की पैकर बनकर के वो करीब हुई, और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उसी हया का मुजाहरा किया, क्योंकि हया ही ये जीनत है और हया ही वो जौहर है कि चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जब तक हया दोनों के दरमियान में है तब तक वो इंसानियत बाकी रहती है, और जब हया खत्म हो जाती है तो उसके बाद इंसान को हैवान बनने में देर नहीं लगती है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फइल्लम तस्ताही फसना माशीत, अगर तुम्हें हया नहीं आती है तो तुम फिर जो चाहे करो, क्योंकि ये हया ही है जो इंसान को बुरे आमाल, बुरी हरकतें, बुरी आदतें, बुरे काम, गंदे आमाल करने से रोकती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी, हमारी बहनों को भी, कौम मुस्लिम की बच्चियों को भी और नौजवानों को भी, हम सबको बाहया बनकर के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो वो आई और आकर के कहा कि आप हमारे वालिद आपको बुलाते हैं कि आपने हमारे साथ भलाई की। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनके साथ गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान, वो जो उनके वालिद थे उन दो लड़कियों के, उनके दरमियान में बातचीत हुई और गुफ्तगु हुई। उसके बाद फिर आपने बताया कि कैसे कैसे मिस्र के हालात हैं, किस तरीके से बनी इसराइल को सताया जाता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस कहने पे वो जो बुजुर्ग थे जिनकी साहिबजादियों को आपने मदद की थी, जिनकी हेल्प आपने की थी, तो उन्होंने भी खबरें सुनी, बातें चल रही थी। तो उसी दरमियान में एक साहिबजादी ने कहा कि ऐ वालिद मोहतरम, आप इन्हें जो है क्यों ना अपने लिए काम करने वाला मुकर्रर कर लें कि ये हमारे मवेशी को चराएं, ये अमीन भी हैं, अमानतदार भी हैं और फिर कवि भी हैं। क्योंकि उन लड़कियों ने देखा था कि कुएं से जो है आपने तनहा पानी निकाला और पिलाया, उन सारे लोगों के मुकाबले में आप आगे तनहा आगे बढ़े, सबको आपने फेस किया, अगर हालांकि वो लोग जालिम थे लेकिन इसके बावजूद कोई आपका कुछ ना कर सका। तो ये कुव्वत भी आप देख चुकी थी, वो खवातीन देख चुकी थी, और साथ में उन्होंने ये भी देखा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये बुलाने के लिए गई थी तो आपने एक मर्तबा भी आंखें उठा करके उस खातून की तरफ नहीं देखा, और फिर जब घर की तरफ आने की भी बात हुई तो आपने ये कहा कि आप आगे मत चलिए, मैं आगे चलता हूं, आप मेरे पीछे पीछे चले, और फिर आप इशारे से या कंकरियां फेंक करके मुझे रास्ता बता देना, हम इस तरीके से पहुंचते हैं। तो ये अमानत भी थी कि आपने किसी की अमानत के ऊपर नजर न डाली। तो इन दोनों चीजों को उन्होंने देखा था,
तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ये आमाल जो है वो जो बुजुर्ग थे जो इन लड़कियों के वालिद थे उनको पसंद आए, फिर आपने उनसे कहा कि आप 8 साल या 10 साल तक मेरे लिए काम करें, मेरे लिए मेरी बकरियां चराएं, इन सब की देखरेख आप करें, तो मैं जो है अपनी एक बेटी की शादी आपसे कर दूंगा। तो फिर आपस में उन दोनों के दरमियान में बातचीत हुई, 8 साल उसके बाद एक्स्ट्रा 2 साल की भी बात हुई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन दोनों मामलात में 8 या 10 में ये आप मेरे ऊपर छोड़ दें कि जो मैं इख्तियार करूं, ताकि मुझे कोई ऐसा ना रहे कि मैं अगर 8 साल के बाद जाऊं तो मैं वादा खिलाफी का मुर्तकिब हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर यह हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 8 साल 10 साल जितना अरसा वहां रहे रहे, आपकी शादी हुई, आपकी उसी लड़की से शादी हुई, उसके बाद फिर जो है आपके यहां लड़के की विलादत भी हुई। फिर एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वही बकरियां और जानवर चराते चराते उस बस्ती से, मदियन की बस्ती से काफी दूर आ गए, और हालात ऐसे थे कि अंधेरा भी था, ठंडी भी थी, तो आपको दूर वादी पे जो है वादी तूर के तूरे सेना पे आपको वादी पे ऐसा लगा कि आग जल रही है। तो आपने अपनी अहलिया से कहा, आपकी अहलिया भी आपके साथ थी, आपने अपनी अहलिया से कहा कि आप रुके, मैं जाकर के देखता हूं कि वो आग है, तो मैं अगर आग है तो आग भी ले आऊंगा, अगर वहां कोई और लोग होंगे तो हमारी मदद भी कुछ कर देंगे। तो जब आप आगे बढ़ने लगे तो वहां जो है फिर ऐसा हुआ कि जब आगे बढ़े तो वो आग जो थी दरअसल दरख्त के ऊपर जलती हुई नजर आती थी आपको, और ऐसा था कि ना तो दरख्त जल रहा था उस आग की वजह से, लेकिन वो आग की जो रोशनी थी वो थी ही, अब उसके करीब करीब जाते तो वो दूर जाने लगती। अब उसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला इसी सूरत के इब्तिदा में फरमाता है, इरशाद होता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, वहल अता का हदीथ मूसा, अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लम को खबर दे रहा है कि क्या आपके पास मूसा की खबर पहुंची, इज रआ नारन فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى। जब उसने एक आग देखी तो अपनी बीबी से कहा ठहरो मुझे एक आग नजर पड़ी है, शायद मैं तुम्हारे लिए इसमें से कोई चिंगारी लाऊं या आग पर रास्ता पाऊं। फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा, फिर जब आप आग के पास फिर जब आग के पास आया निदा फरमाई गई कि ए मूसा, फिर जब आप करीब पहुंचे तो वो आग नहीं थी बल्कि एक तजल्ली थी, नूर था जिसे आपने देखा, और आपको घबराहट वहां पे महसूस होने लगी। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको खबर दी गई, आपको आवाज सुनाई गई। बास फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक फरिश्ते के जरिए से कलाम फरमाया, और बास फरमाते हैं कि अल्लाह ने बराह रास उस वक्त कलाम फरमाया। अलबत्त ये तो तहकीक है, कहते मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बराह रास कलाम फरमाया, इसीलिए आपको कलीमुल्लाह कहा जाता है, लेकिन जो पहला कलाम था वो बराह रास्त था या नहीं था इसमें मुतअद्दिद आरा है। ये राय भी है कि अल्लाह ने बराह रास्त ही आपसे कलाम फरमाया और हुक्म फरमाया, इन्नी अना रब्बुका फखलाना अलैक, तो कहा बेशक मैं तेरा रब हूं तो तू अपने जूते उतार डाल, इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुआ, बेशक तू पाक जंगल तुआ में है, वना अख्तरतुका फस्तमिअ लिमा युहा, और मैंने तुझे पसंद किया, अब कान लगाकर सुन जो तुझे वही होती है। तो फिर वहां अल्लाह तबारक व ताला ने आपको उस मुकद्दस वादी पे तूर के करीब बुलाया, और उस वादी तुआ पे जो है अल्लाह तबारक व ताला ने आपको नूर नबूवत अता फरमाया, और नबूवत से सरफराज फरमाया, और ऐलान नबूवत का हुक्म दिया गया, और फिर ये हुक्म हुआ कि आप जाकर के अब तबलीग करें। तो इरशाद होता है इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकीमिस्सला, बेशक मैं ही हूं अल्लाह के मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। तो इतनी चीजों का जिक्र हुआ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से मिस्र में दाखिल हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया उसका जिक्र यहां पे होता है, फलबिस्ता फी सिनिना फी अहली मदीना थुम्मा जिता अला कदरी या मूसा, तो तू कई बरस मदीन वालों में रहा, फिर तू एक ठहराए वादे पर हाजिर हुआ ए मूसा, वस्तनअतुका लिनफ्सी, और मैंने तुझे खास अपने लिए बनाया, इज़हब अंता व अखूका बिआयाती
वला तनिया फी जिक्री, तू और तेरा भाई दोनों मेरी निशानियां लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती मत करना। इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा, दोनों फिरौन के पास जाओ, बेशक उसने सर उठाया। फकूला लहू कौलन लय्यिनन लअल्लहू यतज़क्करु औ यख्शा, तो उससे नर्म बात कहना इस उम्मीद पर कि वो ध्यान करे कुछ डरे। काला रब्बना इन्नना नखाफु अन यफ्रुता अलैना औ अन यतगा, दोनों ने अर्ज किया ऐ हमारे रब, बेशक हम डरते हैं कि वो हम पर ज्यादती करे या शरारत से पेश आए। قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى, फरमाया डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, सुनता और देखता। ये उस वक्त की बात है जब आप मिस्र वापस आ गए। तो जब आप आग लेने के लिए वहां गए थे तो उस वक्त आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुछ अपनी तरफ से अर्ज रखी कि ऐ मेरे मालिक व मौला, मेरी जुबान में लुकनत है। दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम बचपने में जब छोटे थे तो एक दिन ऐसा था कि बैठे खेल रहे थे, तो खेलते खेलते आपने फिरौन की दाढ़ी के कुछ बाल आपने नोच लिए, तो इससे फिरौन गजबनाक हो गया और आपको कत्ल करने पर आमादा हो गया। तो आपकी जो फिरौन की जो बीवी थी, हालांकि फिरौन की बीवी जो थी वो मोमिना थी, बीबी आसिया, उनका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए खुसूसी महल जन्नत में बनाया है, खुसूसी महल उनके लिए जन्नत में बनाया है। तो ये जो है उन्होंने कहा फिरौन से कि इनको कत्ल मत करना, ये तो बच्चे हैं, इन्हें क्या पता, इन्हें छोड़ दो। तो फिरौन ने कहा अगर ऐसी बात है तो ऐसा करते हैं कि मैं खजूर की कुछ गुटलियां और आग के कुछ अंगारे इनके सामने रखता हूं, अगर इनको समझ नहीं होगी तो ये जो है कुछ भी दोनों में से आग को भी उठा लेंगे तो मैं समझ लूंगा कि हाँ ये बच्चे, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, बचपने का हाल है। अगर ये खजूर की गुटलियां चुनेंगे तो उसका मतलब ये है कि ये नुकसानदेह और फायदेमंद चीज में तमीज कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, तो मैं इनको कत्ल कर दूंगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हिकमत थी तो आपने उसी आग के अंगारों को चुन लिया और फिर उसे अपनी जबान पे रख लिया। तो मुफस्सिर ने इस राय को जिक्र किया है, तो उस वजह से आपकी जबान में कदरे लुकनत थी, तो आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यह अर्ज की थी कि ऐ मेरे मालिक व मौला, मेरी जबान में लुकनत है, मैं जाके फिरौन से कैसे बात करूंगा, तो हारून के जरिए से मेरी मदद फरमा, मेरे भाई हारून जो है, हारून इनसे बड़े थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे हजरत हारून अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि या रब ऐ मेरे अल्लाह, फिरौन के मुकाबले में हारून के जरिए से मेरी मदद फरमा और मेरी जबान में जो लुकनत है उस लुकनत को भी दूर फरमा दे। दूसरी जगह दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व ताला ने इसका जिक्र फरमाया है जिसमें आपने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, यफ़क़हु क़ौली, के या अल्लाह मेरी जबान से लुकनत जाए और फिर जो है मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आए। यसरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, ये पूरी आयत में ये दुआ जो आपने मांगी थी उसका जिक्र है। तो जब आप मिस्र वापस आए तो आप पहले अपने घर पे गए, आपकी वालिदा आपको नहीं पहचान पा रही थी क्योंकि काफी लंबा अरसा गुजर चुका था, लेकिन हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने आपको पहचान लिया चूंकि अल्लाह ने उनको नबूवत भी अता फरमाई थी और आपको खबर भी दे दी थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, तो आपने मुलाकातें की। उसके बाद फिर आप दोनों मिलकर के फिरौन के पास जाने के लिए तैयार हुए। तो फिर फिरौन के जब पास वो गए उसका जिक्र होता है, फ़तियाहू फ़कूला इन्ना रसूला रब्बिका فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى। तो उसके पास जाओ और उससे कहो कि हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, तो औलाद याकूब को हमारे साथ छोड़ दे और उन्हें तकलीफ ना दे, बेशक हम तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लाए हैं और सलामती उसे जो हिदायत की पैरवी करे। إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ अला मन कज़्ज़बा व तवल्ला, बेशक हमारी तरफ वही हुई है कि अजाब उस पर है जो झुठलाए और मुंह फेरे। काला फमन रब फमर रब्बुकुमा या मूसा, बोला तो तुम दोनों का खुदा कौन है ऐ मूसा। काला रब्बुना लजी आता कुल्ल शयइन खल्क़हू सुम्मा हदा, का हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसके लायक सूरत दी फिर राह दिखाई। काला फमा बालुल क़ुरूनिल ऊला, बोला अगली संगतों का क्या हाल है। قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى, कहा उनका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में है, मेरा रब न बहके न भूले। तो इस तरीके से जाकर के आपने दावत दी, लेकिन फिरौन ने जो है
आपकी दावत को नहीं माना, इनकार कर दिया, मुकाबले पे उतर आया, तो अपनी तरफ से जादूगरों को लाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहि सलाम को जब आप वहां आग लेने के लिए गए थे, उसी वक्त अल्लाह ने आपको दो मोजिजे वहां पे अता फरमाए थे। एक तो ये कि आपने आप अगर अपने हाथ को अपने बगल के नीचे ले जाते तो फिर आपका हाथ मुनव्वर हो जाता, रोशन हो जाता। फिर आपके पास जो असा था उसे अगर जमीन पर छोड़ते तो वो अजदहे में तब्दील हो जाता था। ये असा भी जो है अल्लाह ने आपको मोजिजे के तौर पर अता फरमाया था। फिर यह हुआ कि फिरौन का फिरौन के जादूगरों का और मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ, सारे लोगों को जमा किया गया, एक बड़े मैदान में मुकाबला हुआ, उसका जिक्र भी कुरान मजीद करता है। इरशाद होता है कि फिरौन ने बात नहीं मानी तो कहने लगा उनसे पलटा करके, काला अजीतना लितुखरिजना मिन अर्दिना बिसहरिका या मूसा, बोला क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमें अपने जादू के सबब हमारी जमीन से निकाल दो ए मूसा, फलनअतियन्नका बिसिहरिम मिस्लिही फजअल बैनना व बैनका मौइदन ला नुखलिफुहु नहनु वला अंता मकानन सुवा, तो जरूर हम भी तुम्हारे आगे वैसा ही जादू लाएंगे, तो हम में और अपने में एक वादा ठहरा दो जिससे न हम बदला ले आगे पीछे हो न तुम हमवार जगह हो। काला मौइदुकुम यौम ज़ीनति व अन युहशरन नासु दुहा, मूसा ने कहा तुम्हारा वादा मेले का दिन है और ये कि लोग दिन चढ़े जमा किए जाएं, यानी अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह वहां पे पहुंच जाएं। फतवल्ला फिरऔनु फजमा कैदहु थुम्मा अता, तो फिरऔन फिरा और अपने दांव मकरो फरेब इकट्ठा किए फिर आया। قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى, उनसे मूसा ने कहा तुम्हें खराबी हो, अल्लाह पर झूठ न बांधो कि वो तुम्हें अजाब से हिलाक कर दे, और बेशक ना मुराद रहा जिसने झूठ बांधा। فتنازعوا امرهم بينهم واسروا, तो अपने मामले में बाहम मुख्तलिफ हो गए, واسروا और छुप कर वासरुन नजवा छुपकर मशवरत की, आपस में डिस्कशन वो करने लगे जादूगर जो थे। قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى, बोले बेशक ये दोनों जरूर जादूगर हैं, चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी जमीन से अपने जादू के जोर से निकाल दें और तुम्हारा अच्छा दीन ले जाएं। जादूगरों में से भी चूंकि दरबारी जो थे फिरौन के मुशीर वगैरह उनमें भी जादूगर हुआ करते थे, और जो मुशीर थे उन्होंने भी आपस में बातें करके ये कहा कि ये तो जादूगर ही है। तो फिर जो है ये हुआ, फअजमीउ कैदकुम थुम्मा तु सफा वकद अफलहल यौम मन इस्तआला, तो अपने दांव फरेब पक्का कर लो फिर परा बांध यानी सफ बांध कर आओ, और आज मुराद को पहुंचा जो गालिब रहा। ये डिसाइड हुआ कि अब देख लेते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है, ताकतवर है। मूसा अलैहिस्सलाम भी आए, ये भी आए, फिरौन की तरफ से जो चैलेंज हुआ उसको एक्सेप्ट किया गया, फिर उसमें जो जीतेगा वही सही है, वही हक है, ये बात तय पाई। قالوا يا موسى اما ان تلقي و اما ان نكون اول من القى, बोले ए मूसा या तो तुम डालो या हम पहले डालें। قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى, मूसा ने कहा बल्कि तुम ही डालो, इन्हें तुम ही पहले अपना जादू दिखाओ, जब ही उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू के जोर से उनके ख्याल में दौड़ती मालूम हुई। فأوجس في نفسه خيفة موسى, तो अपने जी में मूसा ने खौफ पाया, उन्होंने अपनी लाठियां और रस्सियां डाली तो वो सांप बन करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अंदेशा हुआ कि ये हमारे करीब आ रहे हैं, तो कुरान कहता है قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى, अल्लाह ने उनको फरमाया, वही फरमाई, हमने फरमाया डर नहीं, बेशक तू ही गालिब है। वो अल्की माफी यमीनी का तलकफ मा सनाऊ इन नमा सनाऊ कैदु साहिर वला युफलिहु साहिरु हैथु अता, और तू डाल जो तेरे दाहिने हाथ में, यानी अपना जो असा है उसे जमीन पे डाल दे, वो उनकी बनावटों को निगल जाएगा। वो जो बनाकर लाए हैं वो तो जादूगर का फरेब है और जादूगर का भला नहीं होता कहीं आवे। فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى,
तो सब जादूगर सजदे में गिरा लिए गए, बोले हम उस पर ईमान लाए जो हारून मूसा का रब है। जब जादूगरों ने देखा, चूंकि वो अपने वक्त के माहिरीन एक्सपर्ट बड़े बड़े जादूगर थे और एक दो नहीं थे, बड़ी तादाद में आए हुए थे, इन सब के जादू को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असाए ने अज़दहा बनकर के जब उनके सांपों को निगल लिया तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे पास इनका मुकाबला करने की ताकत नहीं। उनकी आंखें खुल गई, उन्हें यकीन हो गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो ताकत है ये बड़ी मजबूत है और ये अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं। तो उन्होंने ईमान का इकरार कर लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को भी तस्लीम किया, अल्लाह की वादानियत को मान करके मुसलमान हो गए। जब फिरौन ने ये देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई, आपे से बाहर हो गए और लाल पीला होकर कहने लगा काला आमन तुम लहू कबल अन आज़ना लकुम। फिरौन बोला क्या तुम उस पर ईमान लाए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, क्योंकि वो ये समझता था कि मैं खुद खुदा हूं, मेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं होना चाहिए। जब बगैर फिरौन के कहे वो ईमान ले आए तो उनको ट्रेट करने लगा, डराने लगा, इन्नहु लकबीरुकुमुल लज़ी अल्लमकुमुस सिर, बेशक वो तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम सबको जादू सिखाया। फलौ क़त्तअन्ना अय्दियकुम वअर्जुलकुम मिन खिलाफिन वलउसल्लिबन्नकुम जुज़ुअन नख़ली वलत'लमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबं वअबक़ा। तो मुझे कसम है जरूर मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काटूंगा और तुम्हें खजूर के डंडे पर सूली चढ़ा दूंगा। अल्लाहु अकबर। फिर उसने यही किया कि उसने उनको तकलीफ दी और फिर जो है कई को उसने सूली पे लटकाया। ये सारी तकलीफें उन्होंने झेली, लेकिन इसके बावजूद जो है उनमें से किसी ने भी अपने ईमान से वो पीछे नहीं पलटे, अपने ईमान पे कायम रहे और उखरवी सआदत से वो मालामाल हुए। उसके बाद फिर जो है इसके हालात हद से ज्यादा बढ़ गए। फिर आपने फिरौन के पास जाकर के उसे समझाया, बताया कि तुम ऐसा मत करो, छोड़ दो बनी इसराइल को, आजाद कर दो, याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उसे तुमने गुलाम बना करके रखा है, उन्हें छोड़ दो, हम उन्हें लेकर के यहां से चले जाएंगे, उन्हें आजाद कर दो। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब बनी इसराइल को लेकर के यहां से निकल जाए। तो आपको हुक्म हुआ कि आप कनान, जहां से याकूब अलैहिस्सलाम आए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में आके मिस्र में बसे थे, पहले जो उनकी बस्ती थी उसी बस्ती की तरफ जाने का आपको हुक्म हुआ। उस वक्त जो है दो रास्ते थे उस बस्ती को जाते थे, एक खुश्की का रास्ता था और एक समंदर का रास्ता था। खुश्की का जो रास्ता था वो बहुत ही वो करीबी रास्ता था, अलबत्ता जो समंदरी रास्ता था वो बहुत लंबा रास्ता था। उसमें होता यह था कि दारुसल्तनत से होकर के बहरे अहमर, जिसको रेड सी कहा जाता है, और उस बहरे अहमर को पास करके क्रॉस करके जाएं, फिर तूरे सीना जो सीना का पहाड़ है, जबले सीना, उस पहाड़ को क्रॉस करके पार करके जाएं तो उस तरफ जो है फलस्तीन और कनान की बस्ती पड़ती थी। तो अब आपको यही रास्ता आपने यही रास्ता इख्तियार किया और इसी रास्ते से लेकर के आप बनी इसराइल को लेकर के चल पड़े। तो कुरान कहता है अन वलकद औहैना इला मूसा अन असरी बिइबादी फद्रिब लहुम तरीकन फिल बहरी यबसल ला तखाफु दरकम वला तखशा। और बेशक हमने मूसा को वही की कि रातों रात मेरे बंदों को ले चल और उनके लिए दरिया में सूखा रास्ता निकाल दे, तुझे डर ना होगा कि फिरौन आएगा और न खतरा कि फिरौन डर ना होगा कि फिरौन आ ले और न खतरा। तो जब फिरौन को पता चल गया कि मूसा अलैहिस्सलाम सारे गुलामों को लेकर के चले जा रहे हैं तो अब इनको तो परेशानी शुरू हुई कि अब सारे गुलाम चले जाएंगे तो ममलकत का कारोबार कैसे चलेगा, क्योंकि ये शाही खानदान के थे, फिरौन के अंदर रऊनत होती थी और डिक्टेटरशिप जो है उनकी फितरत में थी, तो उनके लिए नौकरों का होना बहुत जरूरी होता था, उनकी तबीयत में यह चीज हुआ करती। उन्होंने कहा कि सारे नौकर अभी सब निकल के चले जाएंगे तो फिर यहां हमारी खिदमत करने के लिए कौन रहेगा। तो वो फौज लेकर के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करने लगा और जब समंदर के करीब पहुंचे तो अल्लाह तबारक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने असे से समंदर पर मारे तो इंशाअल्लाह लज़ीम रास्ता आपके लिए बन जाएगा, तो आप चल पड़े और फिरौन भी आपके पीछे चलेगा लेकिन वो आपको नहीं पा सकेगा बल्कि वो हलाक होगा। तो ऐसा ही हुआ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ। तो उनके पीछे फिरौन पड़ा अपने लश्कर लेकर तो उन्हें दरिया ने ढांप लिया जैसा ढांप लिया। وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया और ना राह दिखाई। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर के जा रहे थे तो उस वक्त क्या हुआ कि जिब्राइल अमी तशरीफ लाए, क्योंकि फिरौनी भी आपके पीछे दरिया में दाखिल हो गए थे, समंदर में दाखिल हो गए। तो जब आप आए आपके सामने
आपका पीछा करते हुए, तो हजरत जिब्राइल अमी अलैहिस्सलाम बीच में आकर के खड़े हो गए ताकि वो फिरौनियों को रोके। फिर जैसे ही सारे इसराइली पहुंच गए थे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दूसरे किनारे पे, अल्लाह ने हुक्म दिया दोबारा पानी जम जाए। अब उन इसराइलियों में जो समंदर से समंदर में जो रास्ता बना उनके लिए वहां से गुजर रहे थे, तो उनमें जो है एक सामिरी नाम का बंदा था, एक सामिरी नाम का बंदा था, वो देख रहा था जिब्राइल अमी को। और उसने क्या देखा कि जहां जहां जिब्राइल अमी के घोड़े के कदम पड़ते हैं वहां सब्जा उग जाता है। तो उसने समझ लिया कि भाई जब इनके घोड़े के कदम की मिट्टी जहां जहां पड़ रही है तो वहां सब्जा उग जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस मिट्टी के अंदर जो है लाइफ है, हयात है, जिंदगी के आसार है। तो उसने मिट्टी थोड़ी सी उसी वक्त उठा करके रख ली। आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह की यह कौम रही होगी कि उस जाते जाते उस रास्ते में भी इनके जहन में ये सब चीजें नहीं छूटी। तो उसने उठा के अपने साथ रख ली, ये वहां से पहुंच गए। उसके बाद फिर जाकर के आपने बनी इसराइल को कहा कि अल्लाह ने तुम्हें जो है अब हिदायत दी है और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें नजात दी है फिरौन से, अब तुम अपने रब को मानो, अल्लाह की इबादत करो, तौहीद ही की तरफ कायम रहो। सारी बातें कहीं, उसके बाद अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म हुआ कि आप जो है तौरेत के हुसूल के लिए तूर पर आए, कोहे तूर पर आप एतिकाफ के लिए गए, जो पहले एक महीने का था बाद में 10 दिन और बढ़ाए गए। तो ये कोहे तूर पर जो आपका चिल्ला था आज भी कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को सआदत हासिल है कि उस तूर का जो पूरा पहाड़ है उस पहाड़ पे हम चढ़े, तकरीबन वहां चढ़ते चढ़ते 6 घंटे लगते हैं। और फिर वहां जो है जाएं तो फिर अल्लाह वालों के मकानात जहां पे उनके कदम पड़े हैं उन बरकतों का क्या कहना। वहां थे मूसा अलैहि सलाम का चिल्ला जो है आज भी महफूज है, सलामत है कोहे तूर पर। और वहां जो है बताते हैं कि कोहे तूर पर जब हम लोग गए थे तो ये तो हमारी अपनी आंखों से देखी हुई बात है, बताया ये गया कि वहां एक दरख्त होता है, वो दरख्त जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे जाते थे तो थोड़ी देर के लिए उस दरख्त के पास आप आराम करते थे। और फिर ये भी बताया जाता है कि ये वही दरख्त था जिसकी तरफ आपको आग नजर आई थी, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन उस दरख्त के बगल में वहां कुछ पत्थर होते हैं, उन पत्थरों के अंदर ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो भी है, उन पत्थरों में एक दरख्त का नक्श हुआ करता है, दरख्त की छाप हुआ करती है, उस दरख्त की इमेज हुआ करती है, उस पेड़ की, उस ट्री की इमेज जो है वो पत्थर पे होती है जो उस जगह पे है। तो बताते हैं कि वही दरख्त था जिसको मूसा अलैहिस्सलाम से निस्बत है, उस दरख्त की छाप आज भी है। और उसमें कमाल ये है कि वो जो पत्थर है, वो पत्थर आप चाहे जितने टुकड़े करें, चूंकि वो बहुत बड़ा पत्थर है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके लोग तबर्रुकन अपने साथ रखते हैं, ले जाते हैं, हमने भी लिया। अब उसमें यह है कि अब उस पत्थर के आप चाहे जितने टुकड़े करें तो हर टुकड़े में आपको वो छाप नजर आएगी। हमने भी लिया, हमने लेकर के हमने बड़ा सा लिया और बड़ा सा लेकर के उसे देखा, उसमें जहां देखें उस दरख्त की छाप और उसकी इमेज नजर आती थी। और हमने उसके 2 टुकड़े किए तो उसमें भी नजर आती थी, उसके 4 किए उसमें भी नजर आती थी, उसके छोटे किए उसमें भी नजर आती थी। गर्ज के आप जो भी उसमें टुकड़े करते जाएंगे तो उस दरख्त की छाप उसमें नजर आती है। अल्लाह तबारक व ताला उस मुकद्दस मकाम पे दोबारा हाजिरी की हमें सआदत अता फरमाए। तो इस तरह के जो मकामात हैं वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि ये बरकतों वाले मकामात होते हैं, ये वो मकामात हैं जिनका तस्करा कुरान मजीद में आया है, जहां अल्लाह की रहमतें बरकतें नाजिल हुई हैं, जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से कलाम करने का शरफ हासिल हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको मजीद और दोबारा वहां जाने की आपको भी तौफीक व सआदत अता फरमाए और मुझ फकीर हकीर को भी अल्लाह ने तौफीक व सआदत अता फरमाए। तो फिर ये हुआ कि आप तौरेत के हुसूल के लिए गए, तो यहां जो है कौम में मामला बिगड़ गया। वो जो सामरी था उसने जब देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं याकूब हारून अलैहिस्सलाम को खलीफा बना करके समझा करके कि मेरे आने तक आप इनको देखते रहें, ये कहकर के आप गए थे, तो जब आप गए तो आने में आपको 10 दिन लेट हुए, चूंकि 30 दिन का वादा था और 10 दिन एक्स्ट्रा रहना पड़ा आपको, तो ये जो 10 दिन ताखीर हुई तो इसमें बनी इसराइल बिगड़ने लगे, इनका माइंड डाइवर्ट होने लगा। तो उसने इनको मैनिपुलेट किया, उसने कहा कि बनी इसराइल जब मिस्र से आए थे तो अपने साथ बहुत सारा सोना वगैरह भी, जेवरात वगैरह भी जो था उनके पास वो साथ में ले आए थे। उसने कहा कि तुम्हारे पास ये जेवरात जो है वो सब मुझे दे दो। उसमें से बहुत से वो जेवरात थे जो फिरौनियों के इन्होंने आरियत के तौर पर लिए थे, कर्ज के तौर पर लिए थे, वो भी साथ में ले आए थे। तो उसने कहा कि ये जेवरात मुझे दे दो। उसने जेवरात को लेकर के पिघला करके उससे एक बछड़ा बना दिया, गाय का बच्चा बछड़ा बनाया, और उसे बछड़े की शक्ल देकर के फिर उसने वो मिट्टी जो उसने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों के नीचे से निकाली थी
उस मिट्टी को उस बछड़े में डाला और खुदा की कुदरत के उस बछड़े में हयात के आसार नमूदार हुए और वो बछड़ा जो है बोलने लगा, आवाज करने लगा। फिर उसने कहा बनी इसराइल को, देखो तुम्हारा रब वो नहीं है जिसका जिक्र मूसा करते हैं, तुम्हारा रब तो ये बछड़ा है, तुम इसकी इबादत करो। देखो ये बात भी करता है, सोने का है लेकिन फिर भी बात करता है, इसके अंदर हयात है, ये तुम्हारा रब है। तो बनी इसराइल उसकी इबादत करना शुरू कर दी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, तकरीबन 12,000 लोग जो है हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ आए, लेकिन बाकी सब जो है इबादतों में यानी उस बछड़े की इबादत में लग गए और बछड़े को उन्होंने माबूद बना लिया। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो क्या हुआ, कुरान उसका जिक्र करता है, قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ بلکہ یہاں سے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى اور تو نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی اے موسیٰ۔ دراصل 70 صاحبوں کو آپ لے کے پہاڑ پہ جا رہے تھے تو ان صاحبوں سے آپ تھوڑا کچھ آگے بڑھ گئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کا شرف جو ہے مجھے اور جلدی میسر آ جائے، اشتیاق میں آپ آگے بڑھ گئے، تو اسی کے حوالے سے اللہ نے پوچھا، قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضا، عرض کی کہ وہ یہ ہیں میرے پیچھے اور میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو۔ قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري، فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو بلا میں ڈالا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، تو موسى اپنی قوم کی طرف پلٹا غصے میں بھرا افسوس کرتا، قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا، اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا، افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم، کیا تم پر مدت لمبی گزری یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فكذلك القى السامری، بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گہنے کے تو ہم نے انہیں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈالا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم إله موسى فنسي، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا بے جان کا دھڑ گائے کی طرح بولتا، یہ بولتا تو بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسا کا معبود، موسا تو بھول گئے، یعنی یہ کہے کہ موسا تو ہمیں چھوڑ کے بھول گئے، 30 دن کا وعدہ ہوا تھا، 10 دن لیٹ ہو گئے، انہوں نے ہمیں فراموش کر دیا، ہمیں بھول گئے، تو ہمارا معبود وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، تو عبادت میں یہ لگ گئے، ایسی سرکش قوم تھی یہ۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، تو قرآن کہتا ہے کہ انہیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے اتنی نشانیاں دکھائی لیکن اس کے باوجود انہیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے یہ کیسے کرنے دیا، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں میں نے روکنے کی بہت کوشش کی، 12,000 جو میرے ساتھ الگ ہوئے تھے اور باقی کے جو نہیں آ رہے تھے جن کی تعداد ان 12,000 سے کئی زیادہ تھی، اندیشہ یہ پیدا ہو گیا کہ آپس میں لڑنے لگیں گے اور یہ میرے قتل پہ بھی آمادہ ہو جائیں گے، تو میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے آپس میں قتل و غارت گری کا سبب بنوں، تو خون خرابے کو روکنے کے لیے میں الگ ہو گیا جب انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانا اور جان کر کے آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو تسلیم کیا اور پھر انہیں چھوڑا۔ جو قرآن کہتا ہے قالا یبنا ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہا اے میرے ماں جائے نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرے سر کے بال، مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ قال فما خطبك یا سامری، تو حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا، موسیٰ نے کہا اب تیرا کیا حال ہے سامری، قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي، بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے پھر اسے ڈال دیا اور میرے جی کو یہی بھلا لگا۔ قال فذهب ان فان لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى اهلك الذي ظلت عليه عاكفا لنهرقنه ثم لننسفنه في اليم نصفا،
कहा तो चलता बन के दुनिया की जिंदगी में तेरी सजा यह है कि तू कहे छू ना जा, और बेशक तेरे लिए एक वादा का वक्त है जो तुझसे खिलाफ ना होगा, और अपने इस माबूद को देख जिसके सामने तू दिन भर आसन मारे पूजा के लिए बैठा, कसम है हम जरूर उसे जलाएंगे फिर रेजा रेजा करके दरिया में बहाएंगे। फिर अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से जो है उस जो बछड़ा बनाया गया था उसे जलाया गया, फिर उसकी खाक बना करके दरिया में बहा दिया गया और उन्हें बताया गया देखो ये जल के हिलाक हो गई है, तुम्हारा माबूद नहीं हो सकता है। सामिरी ने कहा कि मैंने वही जिब्रील अमी के घोड़े के कदम की मिट्टी से जो है ये चीजें की, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि जा तुझे मैं सबसे अलग करता हूँ, तेरी सजा ये होगी कि तू लामिसास कहता फिरेगा। फिर हुआ भी ऐसे कि जब तक वो जिंदा रहा वो लामिसास कहता फिरता, क्योंकि उसको अलग दिया गया था और जो भी उसके करीब जाता था वो या तो अजाब का शिकार हो जाता, या तो बुखार का शिकार हो जाता, या तो अंधेपन का शिकार हो जाता, या मुसीबतों का बीमारियों का शिकार हो जाता, तो कोई उसके करीब ही नहीं जाता था। फिर होते होते वो जंगल की तरफ चला गया, इसी तरीके से फुरकत के दिनों में वो हिलाक हुआ और फिर उसे जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दुनिया में भी हिलाकत और आखिरत में भी हिलाकत का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर बनी इसराइल के यहां मुतालबे शुरू हुए मैदान तीह में कि हमारे लिए मन्नो सलवा उतरे, उसके बाद फिर उनके लिए मन्नो सलवा उतरा, फिर उन्होंने कहा कि हमें जमीन से उगने वाली गिजा चाहिए, वो चाहिए, पीने के लिए 12 चश्मे उनके लिए जारी हो, पानी का इंतजाम हो, ये सारी नेमतें अल्लाह ने इनको दी। इन सब का तस्करा करना जो है इस छोटी सी मुद्दत में, छोटे से वक्त में पॉसिबल नहीं है, तो हम आज यहीं पे इक्तफा करते हैं। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये की कुछ झलकियां थी जिसे हमने आपको दिखाने की कोशिश की कुरान की रोशनी में, वरना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा अगर बयान किया जाए तो मेरे ख्याल से कम 10 घंटे चाहिए, जिसमें आपके किस्से को एक दरमियानी हिस्से से बयान किया जा सके। अल्लाह तबारक व तआला हमें औलिया अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्सों को पढ़ने, सीखने, सुनने, उससे नसीहत और इबरत हासिल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हो, गलती हो, अल्लाह अपने प्यारे हबीब साहिब औलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व ख़तीयति व अतूबु इलैह وما علينا الا البلاغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आज ही SDI चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स लाइक और शेयर भी करते रहें।